साहिल भाई थोड़ा सा इसे वहां पे रख देना। वहां पे रखना है? हाँ वहीं पे ले जाके रख देना, बहुत थक गया। हाँ हाँ गाइज, हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई इंसान का हाथ होता ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन मेरे इस 0 से 15K के एक छोटे से सक्सेस के पीछे ना ही कोई लड़का और ना ही कोई लड़की, बल्कि वो है मेरा प्यारा ब्लॉगिंग सेटअप, जो कि कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मैं सफल हो सकूं इसके लिए वो लोग बहुत कुछ कर देते हैं। सो गाइस, आज मैं आप सबको मिलवाने वाला हूं अपने ब्लॉगिंग सेटअप से। सबसे पहले गाइस, मैं आप सभी को मिलाता हूं अपने ब्लॉगिंग सेटअप के न्यू मेंबर से। तो ये है हमारा नया मेंबर हमारे ब्लॉगिंग सेटअप का, जो कि है बोया की तरफ से आने वाला बोया M1 मैक, जिसे मैंने हाल ही मंगाया है, कल ही पार्सल हुआ मेरे घर पे। तो सबसे पहले गाइस, हम लोग इस मैक को पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप सभी को एक एक करके अपने ब्लॉगिंग इक्विपमेंट से मिलाऊंगा। और ये गाइस मेरी लाइफ, मतलब मेरे ब्लॉगिंग लाइफ का पहला अनबॉक्सिंग रहने वाला है। थोड़ा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ये मेरे पैसा का नहीं है, मेरे पापा का पैसा का है। तो मुझे खुशी उस वक्त मिलेगी जब मैं अपने पैसे से अपने ब्लॉगिंग लाइफ के लिए कुछ ले पाऊँ और कुछ कर पाऊँ, उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खुशी हो रहा है, पापा का पैसा, थोड़ा सा बेटा का भी हक होता ही है। कैसे भाई, एक यूट्यूबर लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, पता नहीं गाइस। और हाँ, ये जो मैप आप लोग देख रहे हो, ये भी बोया का ही है M1, लेकिन ये मेरा नहीं था, ये कबीर भाई का था। वो एक टीचर है, तो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कभी कभी ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो इसके लिए ये मैक जो है लिए थे। तो अभी ट्यूशन वगैरह खुल चुका है, तो ये मैक मैं लेकर अपने ब्लॉग के लिए वीडियोस बना रहा था, लेकिन अब मैंने फाइनली अपना खुद का मैक ले लिया है। वाह, तो यही है बोया M1 माइक। तो ये है गाइज एक पाउच जिसपे हम इस मैक को रख सकते हैं, क्योंकि बार बार भाई बॉक्स पे तो नहीं डाल सकते हैं। तो अब हम इस सामान को साइड रखते हैं, और अब मैं आप सभी को मिलवाने वाला हूँ अपने ब्लॉगिंग सेटअप के एक एक मेंबर से। सबसे पहले गाइज, मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ अपने सेटअप के सबसे छोटे मेंबर से, जो कि है हमारा प्यारा गोरिल्ला ट्राइपॉड, जो कि गाइज हाथ से ब्लॉगिंग के वक्त बहुत ज़्यादा काम आता है। और आपको पता होगा कि मैं हाथ से ब्लॉगिंग बहुत कम करता हूँ, तो ये मेरे लिए जब मैं कहीं पे जाता हूँ घूमने, उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आता है। और जैसे कि नीचे से कोई शॉट वगैरह लेना हो, तो उस वक्त ये गोरिल्ला पॉड जो बहुत ज़्यादा काम पे आता है। और ये एक स्टार्टिंग और न्यू ब्लॉगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कम में भी मिल जाता है, तो ये स्टार्ट जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो ये ले सकते हैं। इसके बाद गाइज, मैं आप सभी को मिलवाता हूँ इसके बड़े वाले भैया जी से, जो कि है हमारा प्यारा डिग्गी टेक की तरफ से आने वाला ये बड़ा सा ट्राइपॉड, जो कि गाइज 6 फीट तक की ऊंचाइयों से ये आपके वीडियो को शूट कर सकता है। और ये गाइज मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब समझ लो कि ये सेकंड बंदा का काम कर देता है। जैसे कि कोई अगर आपके साथ ना भी हो, तो आप इसकी मदद से अपना एक अच्छा सा ब्लॉग शूट कर पाओगे। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से 4-5 ब्लॉग जो है वो इसकी मदद से ही शूट किया था, और इसमें बहुत सारे फीचर दिए, अलग अलग फीचर्स दिए, जो कि बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसे भी मैं अब साइड पर रखता हूँ, और इसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ अपने प्यारे मेम्बर से, जो कि अभी हमारे ब्लॉगिंग सेटअप से रिटायर हो चुका है। वो है मोनो की तरफ से आने वाला AU400 मैक, जिसकी क्वालिटी गाइस बहुत ही अच्छा था, और इससे ही मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था। और अभी देख सकते हो ये क्या हो गया है, मतलब इसका जो जैक होता है ना 3.5 mm जैक,
वो खराब हो गया था। तो उस वक्त मैंने हेडफोन से ये 3.5mm जैक कट कर जुगाड़ लगाकर इसमें जोड़ दिया था, लेकिन अब ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, जैसे कि अचानक क्या होता था, माइक जो है एकदम फर 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 करने लगता था। तो इसलिए अब ये हमारे ब्लॉगिंग सेटअप से रिटायर हो चुका है कुछ दिन के लिए। इसे फिर से मैं बनाऊंगा, रिपेयर करूंगा कोई अच्छा सा हेडफोन का जैक काट के, और फिर इसे जोड़ दूंगा, तो फिर ये हमारे ब्लॉगिंग सेटअप के अंदर फिर से कमबैक हो जाएगा। और अब चलिए गाइज, मैं आप सभी को मिलवाता हूँ अपने इस ब्लॉगिंग सेटअप के मेन मेंबर से, जिससे कि आप मुझे देख रहे हो और यहाँ से मैं आप सभी को देख रहा हूँ। वो है हमारा स्मार्टफोन, जिसे तो मैं आप सभी को हाथ में पकड़ कर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि उससे ही हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वो स्मार्टफोन कौन सा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो है Realme 7 Pro, जिसे मैं आज से 2 साल पहले से यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे पापा ने गिफ्ट किया था। और अगर पापा मुझे ये फ़ोन गिफ्ट नहीं करते तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता। और गाइज, एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेम्बर से तो मैं आप सभी को मिलवाए नहीं, वो आप हमेशा देखते हो, अभी भी देख रहे हो, वो है हमारा ये प्यारा पहाड़। ये भी हमारे ब्लॉगिंग सेटअप का समझ लो कि मेन ही हिस्सा है, क्योंकि आधा से ज़्यादा ब्लॉग हम यहीं पे शूट करते हैं। तो ये कुछ था गाइज हमारा ब्लॉगिंग सेटअप, जो कि स्टार्ट होते के साथ ही ख़त्म हो गया। और इन्हीं की वजह से आज गाइज जो भी हूँ 0 से 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सभी की वजह से। क्योंकि ये लोग अगर मेरी वीडियो पे हेल्प नहीं करता तो हमारा जो वीडियो है वो आप तक नहीं जाता, और आप लोग देखते नहीं तो फिर हमारे इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट कैसे देते। तो इनका 50% जो है हाथ इनका है, उसके बाद आप सभी का है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा मेहनत किया है, सफलता उसे आपने दिया है। बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। तो गाइज, आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का ये हमारा ब्लॉग और हमारा ब्लॉगिंग सेटअप आप सभी को अच्छा लगा होगा। हालांकि गाइज, ये ब्लॉगिंग सेटअप आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। आई लव माई सेटअप और आई लव माई यूट्यूब फैमिलीज। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग किसी अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।